चलो आज हम लोग सीखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान से सबको सुनो, ए टू जेड क्या पढ़ते हैं हम लोग, ए टू जेड ये जो लेटर्स होते हैं कितने होते हैं टोटल 26। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटर्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लेटर्स। यस क्या बनाएंगे, आपको बताया था सिंगुलर, क्या बताया था मैं, सिंगुलर एंड प्लूरल, बाकी के तीनों। सिंगुलर का मतलब होता है सिंगल, अकेला, क्या होता है, अकेला। प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा, इसको बोलते हैं एक वचन, इसको बोलेंगे बहुवचन। तो आपको पता है कि ए टू जेड में 26 लेटर्स होते हैं, कितने होते हैं 26। अगर वो अकेला का हम ये को बोलेंगे तो क्या होगा, सिंगुलर होगा, अकेला। अगर एक से ज्यादा होगा क्या हो गया, वो प्लूरल हो गया, क्या हो गया, प्लूरल, इसको बोलते हैं बहुवचन। इसलिए लिखा गया ए टू जेड में 26 लेटर्स होते हैं, कितने होते हैं 26 लेटर्स, ठीक है ना। आप देखिए हमको किसी शब्द को बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, ग्रुप ऑफ लेटर्स, क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ लेटर्स, एल ई डबल टी ई आर एस, लेटर्स से मिलाने से क्या बन जाता है, वर्ड बनेगा, क्या बनेगा, शब्द, क्या बनेगा, शब्द। शब्द क्या होता है, लेटर ऑफ, क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेटर, क्या होता है, ग्रुप का मतलब कई अक्षरों का समूह होता है, क्या होता है, कई अक्षरों का समूह होता है। अब इसके बाद क्या बनेगा, ये क्लाउज बनेगा, सी एल ए यू एस ई, क्या बनता है, क्लाउज। अब क्लाउज के बाद एक क्या बनता है, सेंटेंस, सेंटेंस का निर्माण होता है, क्या होता है, सेंटेंस का निर्माण होता है। इसको आप दिमाग में रखिए, लेटर्स प्लस वर्ड्स प्लस क्लाउज प्लस सेंटेंस, इतना कंफर्म हो गया आपको, कोई दिक्कत। चलिए और एक सेंटेंस होने के लिए मेरे को क्या क्या जरूरत पड़ेगी, क्या एक सेंटेंस होने के लिए मुझे क्या क्या जरूरत पड़ेगी, उसको ध्यान दीजिए। इसको हम क्या करें, रबी कर दे, मिटा देना, देखिए एक सेंटेंस होने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, सेंटेंस, इसको बोलते हैं सेंटेंस। एक सेंटेंस होने के लिए हमको जरूरत पड़ती है एक सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, देखिए सब सब्जेक्ट, और दूसरा होता है प्रेडिकेट, क्या होता है बेटा, प्रेडिकेट, ठीक है। लेकिन एक प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट में क्या होता है, वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा, और अगला क्या होता है, कंप्लीट, कंप्लीट, ठीक है ना। क्या होगा, एक सेंटेंस होने के लिए मुझे एक सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी और प्रेडिकेट की जरूरत पड़ती है। और प्रेडिकेट क्या होता है, उस प्रेडिकेट में क्रिया होती है, ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, कोई प्रॉब्लम, इतना इतना कंफर्म हो गया ना। चलिए तो आज हम टॉपिक की बात करेंगे, हम लोग क्लाउज की, किसकी बात करेंगे, क्लाउज। आप सब्जेक्ट आपको बता दिए हैं, सब्जेक्ट से परिचित हो चुके हैं, ऑब्जेक्ट बता चुके हैं, वर्ब बता चुके हैं, आपको बीच में आ गया है शब्द क्लाउज, क्या होता है, क्लाउज। आज हम क्लाउज के बारे में चर्चा करेंगे, सी एल ए यू एस ई, ठीक है ना। क्लाउज का मतलब होता है उपवाक्य, क्या होता है, उपवाक्य, इसी को हम बोल सकते हैं वाक्यांश दूसरे भाषा में, क्या बोल सकते हैं हम, वाक्यांश बोल सकते हैं, इसी को बोल सकते हैं हम लोग उपखंड, क्या बोल सकते हैं। तीन तीन नाम मैं बता दिया आपको इसका, इसके क्या क्या बोल सकते हैं हम लोग, उपवाक्य बोल सकते हैं, वाक्यांश बोल सकते हैं, उप
चलो एक मैं सेंटेंस लिखता हूं, पहले ध्यान दीजिएगा। मैं लिख दिया ही इट्स, क्या लिख दिया मैं ही इट्स, इसका मतलब क्या लिया है, वह खाता है। बताइए ये सेंटेंस है कि क्लॉज है, पहले बताइए। सेंटेंस क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मेन वर्ब और सब्जेक्ट है। केवल इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट है आपका, ये केवल वर्ब है, क्या है वर्ब है। और सेंटेंस होने के लिए मुझे बताया कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या होता है, ओस होता है, डब्ल्यू होता है कॉम्प्लीमेंट, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट। हमको जब तक इतना चीज नहीं होगा वो सेंटेंस कहलाएगा नहीं, क्या कहलाएगा सेंटेंस कहलाएगा ही नहीं। इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं इसको क्लाउज है, क्या है क्लाउज। क्लाउज होता क्या है, क्लाउज होता है बड़े से बड़े सेंटेंस का छोटा सा टुकड़ा होता है, क्या होता है छोटा सा टुकड़ा, उसको हम लोग बोलते हैं क्लाउज, क्या बोलते हैं क्लाउज। हम इसको क्लाउज नहीं कर सकते, इसको क्लाउज